बहुत है, बहुत है। और दो दो बार दवा की स्टे भी कर रही है और फिर भी नहीं रुक रहा है ना। लोग कहते हैं कि झुलसा आने से पहले ही आप लोग उसका प्रबंध कर लिया करो। खत्म है ऐसे, हमें कम से कम अभी 50 खेत इधर देखने को मिल चुके हैं। महेंद्र सिंह राजपूत, कौन सी जगह है ये? बड़नपुर। बड़नपुर ये किस जिला में पड़ती है? फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मुझे झुलसा का थोड़ा जानना था थोड़ा। ये आप लोग, आपको जहां तक नजर जाएगी भाई साहब झुलसा झुलसा, पूरे के पूरे खेतों में आपको झुलसा नजर आएगा। देखो उस खेत में हरा जरूर दिख रहा है लेकिन झुलसा है उसमें भी, मतलब हर खेत में इधर झुलसा है। इस खेत में भी देखो झुलसा। हाँ इसे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में झुलसा है, मतलब इधर जो झुलसा दिख रहा है तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो आपको मैं दिखाता हूँ झुलसा किसे कहते हैं। देखो देख रहे हो ना, पूरे खेत में बेल नाम की चीज खत्म है ऐसे, हमें कम से कम अभी 50 खेत इधर देखने को मिल चुके हैं। पूरे के पूरे खेत साफ है, इस खेत की बात करते हैं तो इस खेत में आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से पूरा का पूरा खेत जो है झुलसे से मारा गया है, मतलब अभी इसमें जल्द ही झुलसा आया है इस पूरे खेत में। ये जितने भी बीघे का खेत है या इस पूरे खेत में मुझे झुलसा नजर आ रहा है। हालांकि अब मुझे खूब पता है कि इस खेत में कुछ ना होने वाला है क्योंकि ये खेत इस हालत पे नहीं था जो कि आलू तैयार हो चुके हो, इस खेत में झुलसा लग चुका है। आइए हम थोड़ा आपको खोद के भी ये गूला दिखा देते हैं इसमें क्या सीन निकलेगा। हालांकि आप लोग देख पा रहे हो आलू मैंने खोद दिया है ये, और इस तरीके का इसमें भी आलू निकला है। ये देखो जैसे इसके ये साइज है, ये यहीं पे रुक जाएगा, अब इसका साइज आगे नहीं बढ़ने वाला है। अब इस पूरे खेत में झुलसा है, ये आलू निकले इसमें इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो। अभी जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से ये खेत दिखाई दे रहा है क्या वाकई में जो है इस क्षेत्र में झुलसा का जो प्रकोप है वो देखा जा सकता है। इस चीज की पुष्टि यहाँ के स्थानीय लोग ही करेंगे। देखो इस समय जो है हम अभी दूसरे खेत पे आ चुके हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं जो लोग यहाँ के लोग जो है पुष्टि करेंगे कि वाकई में जो झुलसा बताया गया था कि आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको झुलसा झुलसा देखने को मिलेगा। तो ये भैया लोग बताएं, भैया क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह राजपूत। कौन सी जगह है ये? बड़नपुर। बड़नपुर ये किस जिला में पड़ती है? फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे मुझे झुलसा का थोड़ा जानना था थोड़ा, रोड से इधर आ जाइए हम लोग तो झुलसा का थोड़ा ये बता दो, मतलब झुलसा कैसा क्या है? झुलसा बहुत प्रकोप ज्यादा है, मतलब लगभग कई परसेंट खेतों में झुलसा, 80% से ज्यादा झुलसा, 80% खेतों में झुलसा है। और अभी जो उनमें खेतों में झुलसा आया है उनमें मतलब पैदावार में कुछ घटत बढ़ होगा? कुछ घटता है, बढ़ता क्यों है, झुलसा घटेगा घट जाएगा ना उसमें सिस्टम। तो ये वाला जैसे खेत है ये किसका है? ये इसमें आते हैं, आइए आप लोगों को मैं जो है खेत में चल के दिखा देते हैं जो झुलसा का जो सीन है आप लोगों को वो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा खेत झुलसा आ चुका है, ये जो पूरा झुलस गया है। अच्छा सब लोग इसी तरीके सारे खेत आप मेरे तो देखने मिल रहे हैं इसी तरीके हो रहे इसी तरीके। तो ये कितने दिन के आलू होंगे लगभग जिनमें झुलसा आया है? लगभग 2.5 महीने का है। 2-2.5 महीने का है तो लगभग कगार होने की मतलब तैयारी भी होने में कगार में था बिल्कुल ये तो। हाँ तैयारी होने था तो इसमें कोई खास नुकसान नहीं ना? नुकसान तो है। नुकसान कैसे, किस तरीके का नुकसान? आलू की बड़बार मारी गई है, ये बेल चली गई, आलू कम हो गया है। दादा आपका नाम क्या? जगदीश। क्या कहना चाहोगे झुलसा पे, क्या कैसा झुलसा है? खूब है, मतलब इसी खेत में या एक दो खेतों में या सभी खेतों में? सभी खेतों में, सभी खेतों में झुलसा आ गया है। आपका नाम? रजत। रजत रजत भैया ये बताइए क्या झुलसा जो है आप इस पे क्या कहोगे, झुलसा कैसा क्या है? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा झुलसा है, 80-85% होगा। हमारे यहाँ 30 पैकेट से ज्यादा का निकलता ही नहीं, 2.5 महीने का। हाँ मतलब एक बीघे में कितना पैकेट निकला? 30 पैकेट से ज्यादा नहीं निकला, ज्यादा से नहीं निकला। अभी ये खेत में खुदाई चल रही थी इसमें लगभग कितना पैकेट एक बीघा में निकला? 30 पैकेट बीघा। ये कितने दिन का था? ये 2.5 महीने का। 2.5 महीने इसमें भी झुलसा था?
झुलसा वाले सब खेत टोटल झुलसा वाले देखने को मिल जाएंगे। तो भैया आप लोग देख पा रहे हो अभी फिलहाल में, अभी आगे भी चल के आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि इधर का जो झुलसा का सीन है वो कैसा है। इधर आओ हम लोग फोटो खिंचा ले, जल्दी आओ सब लोग। इधर एक साड़ा अरे शेखर बराम खड़े हो सब लोग, सब आए पे हो नीचे हो नीचे हो नीचे हो नीचे हो अरे तो का ये बच्चा बड़ा था भाई, बच्चा कहना नहीं गया। अच्छा तुम लोग नीचे खड़े फोटो खींचनी है। हां हां हो गई चल। तो भैया क्या नाम आपका? ना अमित कुमार। झुलसा इधर बताया गया था बहुत है, झुलसा बहुत ज्यादा है इधर। मतलब कैसा क्या है अभी, कैसा क्या देखने को मिल रहा है? देखने का जैसे परसों आलू की स्थिति ऐसी थी कि आलू एक का दुक्का था, वो आज जब देख रहे खेत में है तो कम से कम 50% मतलब पूरा का पूरा जलना पड़ा है एकदम से, एकदम चल गया, ज्यादा ही एकदम प्रकोप देखने बहुत बहुत है। और दो दो बार दवा की स्प्रे भी कर रहे और फिर भी नहीं रुक रहा है ना। तो लोग कहते हैं कि झुलसा आने से पहले ही आप लोग उसका प्रतिबंध कर लिया करो। नहीं नहीं किया, ऐसा नहीं आप लोगों ने किया। 50-50 बीघा आलू कर रहे थे, जब दो दो 3-3 लाख रुपया उसमें फंस रहे हैं तो हम 50,000 रुपया लेकिन वो नहीं रोक पाए। झुलसा आने से कुछ नुकसान है? हाँ नुकसान तो है, 50% नुकसान है, 50% नुकसान, पैदावार में कमी। पिछले साल भी आया था, पिछले साल कम था, इस साल ज्यादा है, एकदम आया भयंकर आया एकदम ना, ज्यादा ही मतलब पूरे क्षेत्र में पूरा क्षेत्र है। लगभग 2-2 महीने का आलू, 1.5 महीने को उसमें पैदावारी ज्यादा हो जाएगी आलू, और 3 महीने का आलू कच्चे वाले सब खुदाई हो चुकी होगी। अच्छा कच्चे वाले कब लगी है और पक्का वाला कब खुदाई होगा? पक्के वाले में नुकसान है, कच्चे वाले दोनों में नुकसान है। मतलब कौन भैया के सीधा नहीं हो पाया, और इसमें जो है बहुत ज्यादा मतलब देख पा रहे आप लोग इसमें झुलसा झुलसा नजर आ रहा है। ये दवाई लग रहा है तब डाली, झुलसा अच्छी तरह लग गया। ये झुलसा ना हम लोगों ने खबर पड़ी इसमें शिकायत पत्ती पाई सोई काली सोई शुरू कर दी, लेकिन जाको कोई भोए नहीं। कुछ झुलसन जरे तो कुछ दबन जरे, कुछ विधायक जी ने देख नहीं पाया। पुखराज घर ने वीडियो डाल दी।